महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में हमको ACA, SPA और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मिला करती थी। 14वें वित्त आयोग की संस्तुति आने पर हमें 42% शेयरिंग सेंट्रल टैक्सेज में जो भारत सरकार देती है उसमें हमको मिला, लेकिन उसके साथ जो अतिरिक्त सहायता मिलती थी वो हमारी बंद हो गई। हमारी परिस्थितियाँ अलग हैं, भौगोलिक स्थिति अलग है, और इसके चलते हुए हमने ये डिमांड की है कि हमारी उन परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हमको है। इसीलिए हम टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन चाहते हैं और ये विषय हम सभी हिमालयी राज्य एक साथ उठाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर जो हिमालयी राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, जिनकी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं उत्तराखंड की तरह, उनको नुकसान तो 14वें वित्त आयोग से हुआ ही है। जब हम इस बात को बार बार कह रहे थे और कम से कम दर्जनों बार हरीश रावत जी जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने कई बार चाहे मोदी जी हों चाहे अरुण जेटली जी हों, जब सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक होती थी वहां केंद्र सरकार के सामने, कई बार इस मसले को उन्होंने उठाया कि हमें एक भारी नुकसान हो रहा है उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों को और हमें इसकी भरपाई की जानी चाहिए। लेकिन उस समय भी केंद्र सरकार ने नहीं सुना और अब प्रकाश पंत जी भी उसी बात को रियलाइज कर रहे हैं कि एक बहुत भारी कटौती हमारे पैकेज में या हमारे पैसों में की जा रही है। जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उनमें हमको नुकसान हो रहा है। कई योजनाएं जो 90-10 का अनुपात वाली थी वो 60-40 के अनुपात की हो गई, कई 50-50 के अनुपात वाली हो गई, तो कई फेरबदल हुए हैं इस बीच, जिससे कि हमें काफी नुकसान है और हमारे जैसे छोटे कई राज्यों को नुकसान हो रहा होगा। तो ये एक अच्छी पहल के रूप में मैं इसको देखती हूँ कि अगर सारे राज्य एक साथ एक मुट्ठी बनकर अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रखेंगे, बनिस्बत इसके कि अलग अलग अपने अपने सुर में बात करें, तो बात में ज्यादा वजन आएगा और केंद्र सरकार की शायद बात समझ में भी आएगी।